नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका सुहाना किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं वेज एग करी, जिसको हम लोग बनाना यानी केले से बनाएंगे। जिस तरह से कच्चा केले को ले लिया है और छील लिया है उसको अच्छे से, उसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे। इन छिलकों का भी हम लोग चटनी बना सकते हैं जो बहुत टेस्टी होता है, फिर मैं किसी वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो इस तरह से छील लिया और छोटे छोटे टुकड़ों में करके मैंने इसे बॉयल कर लिया। आप चाहे तो कुकर में भी बॉयल कर सकते हैं। इधर मैंने एक टेबल स्पून लिया है बेसन और उसमें लिया है सारे बेसिक मसाले, और जो मैंने हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बनाया है उसी को हम लोग डालेंगे एक बड़ा चम्मच, और उसी के पानी से ही हम लोग इसको एक टाइट आटा जैसा हम लोग गूंथते हैं उस तरह से उसको आटा जैसा लगा लेंगे। देखिए, पानी अलग से डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत बहुत पड़े तो आप उसमें एक दो चम्मच पानी यूज़ कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से सॉफ्ट करके गूंथे, और उसके बाद भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाला है स्वाद के अनुसार, और अच्छे से मिला के इसको हम लोग एकदम सॉफ्ट बना लेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है, और उसके बाद देखिए कितने अच्छे से इसके पेड़े बन रहे हैं। इस तरह से सॉफ्ट करके इसकी छोटे छोटे हम लोग गोलियाँ बना लेंगे, इस तरह से। बहुत बड़ा बड़ा नहीं बनाना है। ये देखिए इस तरह की मैंने बना लिया है। उसके बाद केला यहाँ पक गया है अच्छे से। इसमें मैंने एक चम्मच बेसन और दो चम्मच चावल का आटा मिलाया है, और यहाँ सारे बेसिक मसाले मिलाए हैं आधा आधा चम्मच, और उसके बाद मैंने मिलाया है यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसमें इसको हम लोग अच्छे से इसको भी हम लोग भून के मिला लेंगे, और अगर कम ज़्यादा लगे, ये बहुत इसको गीला नहीं रखना है, आटे की तरह ही इसको बनाना है। तो अगर चावल कम ज़्यादा लगे तो ऊपर से आप थोड़ा सा चावल और मिलाकर चावल का आटा उसको उस तरह से टाइट गूँथ लें, बहुत ज़्यादा नहीं, ये भी बिल्कुल आटे की तरह ही रखें। और इसको 15-20 मिनट रेस्ट करना ताकि चावल अच्छे से जो आटा है फूल जाए। जब तेल गर्म किया और छोटी वाली गोलियों को बिल्कुल 5 मिनट से भी कम कहें, 2 या 3 मिनट तक के लिए हम लोग शैलो फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको नहीं फ्राई करना, हल्का सा हम लोग कर लेंगे। देखिए इस तरह से, और देखिए हमारा इसको 15-20 मिनट हो गया है, बिल्कुल आटे की तरह हो गया। और इस तरह से देखिए हम लोग इसको बना रहे हैं बीच में इसका होल करके, और हम लोग ये गोली जो है इसके अंदर डाल देंगे, और इसको एकदम अच्छे से बंद करके एग वाला शेप हम लोग इसको दे देंगे, और इसको खूब अच्छे से स्मूथली इसको ये करें ताकि इसको जब हम फ्राई करें तो ये निकले नहीं। एक और मैं इस तरह से करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए एक बॉल जो हम लोगों ने सैलो फ्राई करके रखा था उसको डाल के इस तरह से कर लेंगे, और उसके बाद अंडे का सेप दे देंगे हम लोग, और इसको भी हम लोग 5-7 मिनट रेस्ट कराएंगे। देखिए इस तरह से एग की तरह हो गया है ये, और अब हम लोग इसको डीप फ्राई करेंगे लेकिन मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि चावल और जो बेसन है वो जल्दी से लाल हो जाता है पर अंदर से वो पकते नहीं हैं, तो इसलिए इसको मीडियम फ्लेम पर ही धीरे धीरे पलट के एकदम इसको डीप फ्राई करना है। फ्लेम को एकदम हाई नहीं करना है। देखिए एकदम एग की तरह दिख रहा है ना, इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। यहाँ एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिया है, और एक छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर गोटा सरसों और 2 प्याज का फ़ौरन लिया है, और सारे मछली में जो हम लोग डालते हैं बिहारी मछली में मसाले वो डाले हैं। सरसों 1 बड़ा चम्मच, धनिया, जीरा, लहसुन, मिर्च सब 1-1 चम्मच डाला है, और सबको इस तरह से देखिए फ्राई कर रहा है हम लोग प्याज लाल होने के बाद। और उसके बाद इसमें टमाटर डालेंगे, नमक ध्यान से डालें क्योंकि हमने छोटी वाली गोली में भी डाला है और डो में भी डाला था, तो उसी हिसाब से नमक डालें ग्रेवी में। और उसके बाद इसमें टमाटर डालें छोटे छोटे काट कर, क्योंकि मसाला तेल छोड़ने लगा है। तो हम लोगों ने इस तरह से और पानी डाल के इसको एक बार और हम लोग अच्छे से भून लेंगे। देखिए तेल छोड़ चुका है और टमाटर भी गल गए हैं। तो अब हम लोग इसमें जितना ग्रेवी रखना है, जिस तरह का थिकनेस रखना चाहते उस हिसाब से पानी डालिए। मैं आज दाल नहीं बना के इसी की ग्रेवी के साथ चावल खाने वाली हूँ, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया थोड़ा सा ग्रेवी रखेंगे फिश की तरह, और बस इसको हम लोग तो उबाल आने का वेट करें। बहुत अच्छा उबाल देखिए आ गया है। अब हम लोग इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे, और धनिया पत्ता डालने के बाद थोड़ा
थोड़ा सा और 5 मिनट के करीब करीब पकाएंगे ताकि ग्रेवी और थोड़ा सा ठीक हो जाए। और अब हम लोग को लग रहा है कि ठीक हो गया है जितना चाहिए, उस हिसाब से उसके बाद जो बॉल्स डाल दिए हैं देखिए बिल्कुल एग की तरह दिख रहा है और खाने में बिल्कुल मछली जैसा ही स्वाद लगेगा। एक बार ज़रूर आप लोग इसको ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी है और बनाने में भी बहुत आसान है। थैंक यू।